जैसा कि आपको मालूम है कि जैसे ही ये भूकंप की सूचना इंडिया में प्राप्त हुई थी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब दुख प्रकट किया था, इस दुख के मौके पर संवेदना प्रकट की थी, उसके साथ ये भी घोषणा की थी कि ऐसी स्थिति में भारत हर संभव सहायता प्रदान करेगा तुर्की को। इसके अंतर्गत एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। इसके अलावा एक फील्ड हॉस्पिटल भी सेटअप किया गया है, इंडियन आर्मी का 30 बेड का हॉस्पिटल है, जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जन है, जनरल सर्जन है, डेंटल सर्जन है, बाकी एक्सपर्ट्स हैं। और ये जो हॉस्पिटल है, फील्ड हॉस्पिटल, ये इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट एंड ऑल्सो कैपेसिटीज, वो बड़ी लिम्ब सेविंग, लाइफ सेविंग सर्जरीज करने के लिए भी कैपेबल है। एक एम्पुटेशन सर्जरी की थी हमारे सर्जन्स ने, कल की बात है, कल सुबह की। और बाकी भी मरीज आ रहे हैं यहाँ मेडिकल चिकित्सा सहायता के लिए। ये जो सहायता है इंडिया की तरफ से, इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन दोस्त। तो एक सेंटिमेंट दोस्ती का, सॉलिडारिटी का है इस इनिशिएटिव की तरफ से। और आज डे 6 है इस क्राइसिस का, और इस दौरान जितने भी हमें काफ़ी मैसेजेस मिले हैं अपनी लोकल पॉपुलेशन से, जिन्होंने मेडिकल सहायता का फ़ायदा उठाया है, और बाकी भी काफ़ी लोग, तो एक गुडविल जनरेट हुई है। और हमें इस बात की सेटिस्फैक्शन है कि हमारी जो HADR की कैपेसिटीज़ हैं, उनका यहाँ इस्तेमाल हुआ है तुर्की लोगों की सहायता के लिए। टर्की साइड से हमें रिक्वेस्ट प्राप्त हुई हैं, और ऐसे माहौल में जब जो डेवस्टेशन का स्केल इतना ज़्यादा है और डायनेमिक सिचुएशन है, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, ज़रूरतें हैं, वो एस्केलेट होती जा रही हैं, इस बैकग्राउंड में हमें प्राप्त हुई हैं रिक्वेस्ट, और उनको प्रोसेस किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि कितना बेहतर हम इन रिक्वेस्ट को एड्रेस कर सकें।